हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल बिगनर्स पॉइंट। मैं हूं श्रुति आपके साथ, और आज इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8 मैथ्स का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हमें अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी का यूज़ करके वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मतलब इसे सॉल्व करना है। इन शॉर्ट हमें इसे सॉल्व करना है। तो आइए शुरू करते हैं। बस यहाँ पर हमें क्या दिया है, पहले एक इक्वेशन दिया है। इक्वेशन इन द सेंस, जैसे -2/3 इंटू 3/5 +5/2 -3/5 इंटू 1/6। अब ऐसी सारी चीज़ें अलग अलग हैं, आप चाहें तो पहले इनका मल्टीप्लिकेशन कर लें, फिर जो आंसर आएगा उसके साथ इसे प्लस कर लें, फिर जो आंसर आएगा उसके साथ इसे माइनस कर लें, देन अगेन आंसर आएगा तो आप इसे इंटू कर लें, ऐसा कर सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना है, अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज़ का, तो उसके लिए हमें कैसे करना होगा इसे सॉल्व, वो हम देखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें कॉमन टर्म देखते हैं कि क्या है। देखिए 3/5 ये भी है, 3/5 ये भी है, ठीक है। अब ये 3/5 इसके फैमिली वाला ऐसा कह सकते हैं क्योंकि इनटू में है, इनटू में टर्म होती है, मतलब एक ही फैमिली के हैं, राइट। यहाँ पर भी वही चीज़ है, 3/5 है इसके साथ इनटू में, मतलब ये भी एक फैमिली है। अब हम क्या करेंगे, पहले ये 3/5 वाले टर्म्स को एक साथ ले आते हैं, और ये अकेला जो बचा हुआ है ना, जिसके साथ इसका और कोई फैमिली मेंबर नहीं है, इसे हम एकदम एंड में लिख देंगे। तो पहले ये क्या हो जाएगा हमारा, -2/3 इंटू 3/5 हो गया, राइट। ये तो पहली टर्म एज इट इज, दूसरी इसे यहाँ ले आते हैं, तो ये -3/5 इंटू 1/6 हो गया, और ये जो था +5/2 इसे एकदम एंड में कर देते हैं। इसे हो गया हमने बाय रीग्रुपिंग, हमने क्या कर दिया है, इसे रीग्रुपिंग कर दिया है, मतलब एक ग्रुप में ले आए हैं कॉमन टर्म्स को, एक साथ ले आए हैं, राइट। अब ये चीज़ हो गई। इसके बाद हम क्या करेंगे, 3/5 इसकी फैमिली में भी है, इसमें भी है, तो दोनों के 3/5 को अगर मैं कॉमन निकाल लूँ, तो मैं अगर यहाँ ऐसा करती हूँ 3/5 करती हूँ, तो यहाँ ब्रैकेट में क्या बचेगा, -2/3, क्योंकि इसका तो हमने 3/5 बाहर ले लिया, इसका भी 3/5 बाहर लिया है, प्लस वाला बाहर लिया है, तो ये माइनस की साइन बीच में आएगी, और ये 1/6 एज इट इज़ होगा। यहाँ पे इसकी फैमिली का ये, इसकी फैमिली का ये, और दोनों में कॉमन जो था वो हमने बाहर कर दिया है, +5/2 यहीं पे रहेगा। अब हम क्या करेंगे, इसे 3/5 यहाँ पे पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। इसे सॉल्व करने के लिए नॉर्मल जो हमारी मेथड होती है, वैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, एलसीएम किसे कंसीडर करेंगे, इस तरह से 3/5 यहीं रहेगा। इसे देखते हैं 3 और 6 में, एलसीएम हम 6 को बना सकते हैं, क्योंकि 6 के टेबल में भी आता है और 3 के टेबल में भी आता है। तो हम यहाँ क्या कर देंगे, हमने यहाँ ले लिया 6 सपोज हमारा एलसीएम, ऊपर यहाँ पर इसको 6 बनाने के लिए हमें क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, मतलब -2 × 2, और यहाँ नीचे 6 है, हमें 6 ही लाना था, तो 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया होगा, तो ऊपर भी क्या हुआ होगा, 1 से मल्टीप्लाई हुआ होगा, और +5/2 एज इट इज़, राइट। अब हम क्या करेंगे, 3/5 अभी तो यहीं रहने देते हैं, पहले इसे देख लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, 2 × 2 = 4, मतलब -4, और ये -1/6 हो गया, +5/2, राइट। अब हम क्या करेंगे, 3/5 ऐसे ही लिखते हैं, इनटू कर देते हैं, ब्रैकेट से बाहर निकाल देंगे, अब इसे -4 और -1 -5 हो जाएगा, और ये /6 एज इट इज़, और +5/2। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ फिर इनटू में इसे पूरा सॉल्व कर लिया, अब ये दोनों इनटू में और ये प्लस में है, प्लस वाली टर्म को अभी बाहर ही रहने देते हैं, पहले इसे सॉल्व करते हैं। तो इसे सॉल्व करने में आप सिंपली कर सकते हैं 5 और 5 कट हो जाएगा ऊपर नीचे है, तो इनटू में ये चीज़ होगी, प्लस माइनस जब अगर होता है, हमें एडिशन सब्सट्रैक्शन अगर होते हैं दो फ्रैक्शन के बीच में, तो आपको एलसीएम वाली मेथड यूज़ करनी है, राइट। जैसे यहाँ पर थी, देखिए एडिशन सब्सट्रैक्शन वाली कोई चीज़ है तो एलसीएम की मेथड आएगी, लेकिन इनटू में जो टर्म्स कट हो सकती हैं उसे कट कर सकते हैं आप। तो यहाँ 5 5 तो कट गया, ये 3 1 = 3 और 3 2 = 6, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये इक्वल टू के बाद यहाँ लिख देते हैं, यहाँ तो ऊपर सिर्फ 1 बचा है ये वाला, ठीक है, तो ये 1 आ गया, और नीचे क्या बचा है, 2 बचा है, राइट। अब ये -1 × 1 हो गया, क्योंकि ये -1 था, तो -1/2 हो गया ये, और +5/2, -1 क्यों, क्योंकि यहाँ पर -5 था और यहाँ पर 5 था, तो 5 5 कटा है, यहाँ -1 है, तो -1 × -1/2, तो ये हो गया। अब हम यहाँ पर करेंगे एलसीएम, दोनों के क्या हैं, सेम है, राइट, तो एलसीएम सेम है, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, ये -1/2 +5/2 था, तो ये कितना हो जाएगा, -1 + 5 मतलब क्या हो जाएगा, 4। जब माइनस और प्लस होता है तो बड़े में से छोटा नंबर सब्सट्रैक्ट होता है, और साइन बड़े नंबर की आती है, तो 5 में से 1 गई 4, और 4 में 5 जो है हमारा बड़ा नंबर है जो कि पॉजिटिव है, तो 4 यहाँ पर
पॉजिटिव आएगा, और नीचे तो एलसीएम सेम है तो एज इट इज ही आएगा। टू वन ज़ा टू एंड टू टू ज़ा फोर, तो टू जो है ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। अब यहाँ पर हमें क्या करना था, जो प्रॉपर्टी है जैसे उन्होंने तो एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी आपने क्या यूज़ की है वो देखना था। तो यहाँ पर हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज़ किया है यहाँ पर, तो हम यहाँ लिख देंगे बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करके हमने क्या कर दिया, इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मतलब क्या किया कि ये जो नंबर्स थे इसे इसके साथ मल्टीप्लाई करके पहले हमें साथ में ला कर कॉमन निकाल ली, एंड देन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाकर इसे सॉल्व किया है। तो टू जो है वो हमारा इसका आंसर है। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन था वो हमारा कंप्लीट होता है। फर्दर क्वेश्चंस को हम अपने अगले वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।